तो दोस्तों Redmi Note 10 सीरीज़ का फर्स्ट लुक और हैंड्स ऑन बाहर निकल कर आ गया है, जो कि काफ़ी हद तक कि Mi 11 से इंस्पायर्ड है। और मनु कुमार जैन, जो कि Xiaomi के इंडिया के CEO हैं, और उन्होंने अपने हाथ में Redmi Note 10 सीरीज़ का बॉक्स लिया हुआ है, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होने वाला है। और दोस्तों एक बात और पता चली है, जो 4G वर्जन होगा उसमें एक AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, और जो 5G वाला होगा उसमें एक IPS डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। तो इस वीडियो में Redmi Note 10 Pro के बारे में जानेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक माइंड यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऑफकोर्स इसमें आपको एक 5G की कनेक्टिविटी के साथ पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि स्नैपड्रैगन का 750G का चिपसेट सुनने को मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस के अंदर 5G की कनेक्टिविटी मिलने वाला है, और इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होगा। चलिए और बात करें इसके डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें आपको 6.7 इंच की एक IPS LCD पैनल के साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा। और दोस्तों अभी रिसेंटली पता चला है, जो 4G डिवाइस होगा उसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 10 के बॉक्स में फुल HD प्लस का AMOLED डिस्प्ले के साथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और बात करें इसकी कुछ एडिशनल फीचर की, तो इस डिवाइस के अंदर आपको 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर, 33W का फास्ट चार्जर मिलेगा। आते हैं इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो Xiaomi भी टीज कर रहा है कि Redmi Note 10 सीरीज़ में 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो आते हैं इसकी प्राइस की तरफ, तो यहाँ पर जो 4G वर्जन होगा उसकी बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 13,000 से लेकर 15,000 तक का हो सकती है, और जो Redmi Note 10 Pro 5G वर्जन होगा उसकी बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 17,000 से लेकर 20,000 तक का हो सकती है। और दोस्तों Redmi Note 10 सीरीज 4 मार्च को लॉन्च होने वाला है, और दोस्तों मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप Redmi Note 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे या फिर Realme 8 सीरीज़ का इंतज़ार करेंगे। और माधव सेठ ने भी टीज करके बता दिया है कि Realme 8 सीरीज़ में 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, और Realme भी 2 मार्च को एक इवेंट कर रहा है जिसमें कि 108 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में रिवील करेगा, और Realme 8 सीरीज़ की वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।